देख यहाँ पे सैमसंग ने अपने A52 और A72 को दोनों को भाई लॉन्च तो कर दिया, मगर इंडिया में अभी जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इस पर मैं बात करने वाला हूँ इसी फोन के बारे में, A52 के बारे में। तो पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे आपने नहीं किया। आज लेट आ रही है उसके लिए बहुत सॉरी, बट हाँ A52 के मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे ये फोन जो है ये बाहर लॉन्च हो गया है बहुत जगहों पर। अभी इंडिया में ये फोन 2-3 दिन में बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 2-3 दिन में ये फोन जो है वो इंडिया में भी आ जाएंगे दोनों। तो आई थिंक अच्छी बात है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे प्राइस पता चल गई है, स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं। सबसे पहले बिल्ड डिजाइन बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छा यहाँ पे लुक आपको देखने मिलता है सैमसंग के A52 में। डिस्प्ले में बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो सुपर एमोलेड पैनल दिया है, सेंटर पंचोल दी गई है और 90 रिफ्रेशिंग रेट भी आपको दी गई है। तो आई थिंक डिस्प्ले जो है ना इस फोन का वो बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत प्रीमियम मिलने वाला है। डिस्प्ले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 90 रिफ्रेशिंग रेट, बट हाँ मिला है, जो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया बात लगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इस फोन के यहाँ पे चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे जो चिपसेट है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ मिला है आपको, तो आई थिंक चिपसेट भी यहाँ पे सैमसंग ने जो अच्छा दिया, बट ओवर प्राइज है जो मुझे लगा है। आगे मैं बात कर लेता हूँ कैमराज के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो कैमराज हैं वो भी बहुत ही ऑन पेपर्स अच्छे देखने मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो कैमरा की फोन की, तो ओवरऑल कैमराज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे सैमसंग ने A52 में लेके दिए हैं। सेल्फी में भी यहाँ पे आपको सेंटर पंचोल मिल जाती है, जो आपको बहुत ही सही काम कर देगी। बैटरी अगर बात कर लेता हूँ तो 4500 mAh की बैटरी भी है, टाइप सी भी है, यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट में मिल जाता है। तो आई थिंक वो भी बहुत ही ओवरऑल अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी अच्छी दी गई है और फास्ट चार्जिंग भी ठीक ठाक है। UI अगर बात करता हूँ, एंड्रॉइड 11 आपको आउट द बॉक्स मिल जाएगा, एंड 1 UI 3 पॉइंट के साथ ही आपको आउट द बॉक्स मिलेगा। ये है पूरा सैमसंग का A52 जो 4G वेरियंट के साथ लॉन्च कर रहा है इंडिया में सैमसंग। फाइनली प्राइस की अगर बात करता हूँ तो इस फोन का जो प्राइस होने वाला है तो 26,499 रुपये बेस रेट होगा, 6 GB रैम और 128 GB इंडिया में, जो हमें 2-3 दिन में स्मार्टफोन प्राइस मतलब देखने मिल जाएगा इंडिया में। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आप इंतजार कर सकते हो, बिकॉज सैमसंग का A52 ना भाई बढ़िया फोन है और 90 रिफ्रेशिंग रेट भी आपको देखने मिल रही है। आई थिंक ओवरऑल फोन मुझे अच्छा लगा है, बट प्राइस बहुत ज्यादा ओवर लग गई है। अगर सैमसंग इस फोन का प्राइस अंडर 20,000 या 20,000 रुपये रखता तो आई थिंक हाँ जब भी हम इस फोन के बारे में सोच सकते थे, बट अगर ये 26,500 में इंडिया में लॉन्च होता है तो यार मुझे नहीं लगता कि ये फोन जो है वो अप टू द मार्क होगा। आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस सैमसंग के A52 के बारे में। और A72 भी लॉन्च हुआ है, जो बाहर लॉन्च हो गया इंडिया में वो भी साथ ही में लॉन्च होगा A52 के साथ। तो आप लोग अपने बता के बता सकते हैं मुझे कि A52 के बारे में आपको क्या लगता है। पर्सनली मैं अपनी राय बता दूं तो 26,500 रुपये में अगर मैं इस फोन को लेना चाहूंगा तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यार मैं इस फोन को वैल्यू फॉर मनी का बात नहीं बोलता कि ये वैल्यू फॉर मनी है। ये फोन जो है वो ओवर प्राइज्ड है, बट हाँ फिर मैं लाइक यार कोई बोले ना कि बट सैमसंग की आप बुराई करो, नहीं देखिए सैमसंग ब्रांड बहुत अच्छा है, फोन बहुत अच्छा है, बट प्राइस के मामले में ये जो ओवर प्राइस है। ए सीरीज आप एम सीरीज जाइए ले लीजिए, एफ सीरीज ले लीजिए, एफ सीरीज में भी अभी फोन आएंगे मुझे लगता है, एम सीरीज में तो आने ही वाले हैं, तो आई थिंक उसका इंतजार आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये फोन जो है वो ओवर प्राइज्ड है। अगर आप लेना चाहते हो तो जब भी आप ले सकते हैं, बट हाँ मेरी जो राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग कमेंट बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है A52 के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर से बता सकते हैं कि क्या आप 26,000 रुपये में इसको कंसिडर करने वाले हो। हाँ इसका 8 GB रैम 128 GB वेरियंट भी होगा, जो आपको 27,999 मतलब 28,000 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई क्या बेस वेरिएंट क्या नॉर्मल महंगा वेरिएंट, आप लोग को जो पसंद है वो अपनी राय बता सकते हैं सैमसंग के A52 के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।